तो हम चर्चा कर रहे हैं डेंगू के ऊपर। डेंगू बीमारी क्या होता है? सभी लोग सुन रहे होंगे डेंगू बुखार, किसी को डेंगू बुखार हो गया है। तो डेंगू मच्छर के काटने से होता है कि मच्छर के अंदर वायरस होता है, जिसे आप डेंगू वायरस बोल सकते हैं। और वो डेंगू वायरस मच्छर के काटने के दौरान मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। फिर मनुष्य के शरीर में कुछ दिनों के अंदर वो अपना वृद्धि करता है। जब वो वृद्धि अच्छा खासा मात्रा में हो जाता है तो वो बुखार लेके आता है। और ख़ास करके बुखार हो और उल्टी हो रहा हो, बुखार हो और माथा में दर्द हो, आँख के पीछे दर्द हो, जिससे कि आँख इधर से उधर कर रहे हैं, इससे आँख चला रहे हैं, इधर देख रहे उधर देख रहे हैं, आँख के जो आईबॉल है इसके अगर चलने से जो है आपको अगर दर्द हो रहा हो, माथा में काफ़ी दर्द हो रहा हो, बेचैनी हो रहा हो, उल्टी हो रहा हो बुखार के साथ में, जिससे हम लोग डेंगू बुखार के सामना को व्यक्त कर सकते हैं। वैसे डेंगू कन्फर्म करने के लिए दो तरीका है, उसमें है कि किसी को अगर डेंगू हो गया है तो उसको ब्लड टेस्ट करा के देख लीजिए। डेंगू का टेस्ट होता है उसमें NS1 एंटीजन, एंटीजन होता है वायरस का हिस्सा जो कि शरीर में जाने पर शरीर के अंदर इस तरह से व्यवहार करता है कि उसके मारने के लिए शरीर के अंदर कुछ तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। तो NS1 एंटीजन और IgM एंटीबॉडी, एंटीजन हो गया वायरस का हिस्सा, एंटीबॉडी हो गया हमारे शरीर का हिस्सा तो उसके विरोध में तैयार किया गया है। अगर ये दो चीज़ मिल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इन्हें डेंगू का बुखार आ गया। और आपको बता दें कि डेंगू के जितने लोगों को डेंगू का बुखार होता है उसमें खास करके 25% लोगों को परेशानी आती है या पता चलता है कि हमें कुछ बुखार हो गया और परेशानी है, उस समय डेंगू हो गया। और लगभग उस 100 में से लगभग 5% को जो है डेंगू बहुत खतरनाक ढंग से होता है, बहुत ख़राब ढंग से होता है। तो चर्चा करेंगे सीवियर डेंगू बोलते हैं कि ज़्यादातर खतरनाक डेंगू क्या है। सब पहले देख लीजिए डेंगू होता क्या है। डेंगू वायरस से जो मच्छर काटने से होने वाली बीमारी है, इसमें लोगों को बुखार आता है, माथा में दर्द होता है, शरीर के अंदर काफ़ी दर्द होता है, लगता है हड्डी टूट रहा है, इसलिए उसे दूसरा नाम ब्रेक बोन फीवर यानी हड्डी तोड़ने वाली बुखार भी बोलते हैं उसे। आँख के अगल बगल जो होता है उसके अंदर दर्द होता है, कभी कभी शरीर के ऊपर दाना दाना निकल जाता है, चकते चकते से बोल सकते हैं आप, और उल्टी हो रहा हो, ये सब जो है डेंगू बुखार का लक्षण है। और डेंगू बुखार किसी को हो गया तो हमें बोलना चाहिए कि आप सबसे पहले तो आराम करें, शारीरिक आराम करें, रेस्ट करें, जितना आराम हो सके करें, पानी खूब पिए। और अगर बुखार है, दर्द है, उसके लिए कभी भी आप ऐसा दवा नहीं खाएं जो आगे जाकर नुकसान करे, जैसे कि ब्रूफेन, डायलोना, वोवरेन, ये सब जो दवाएं हर जगह मिलती रहती है, नाइस गोली, ये सब खा लोग खा लेते हैं, वो सब नहीं खाना है। सिर्फ पैरासीटामोल खाना है, 500 mg, 650 mg और 1000 mg आता है। अगर ज़्यादा वजन वाले 1000 mg, बहुत छोटे हैं तो 500 भी कम चलेगा। तो इस तरह से वाइसी का 2 टेबलेट दे सकते हैं, 1 टेबलेट नहीं काम कर रहा है, चाहे बुखार रहे चाहे से हाथ में दर्द रहे, तो आपको सिर्फ पैरासीटामोल ही देना है। अगर पैरासीटामोल आप देते रहते हैं तो उस तरह से अगर आने वाली समय में अगर समस्या भी आएगा तो समस्या ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप डायलोना, बोवरेन या नाइस गोली खिला देते हैं प्लेटलेट को वो ख़राब कर डालता है। और जानते हैं कि जब डेंगू खतरनाक होता है, इसमें अभी चर्चा करेंगे, फिर खतरनाक डेंगू में ये जो इसमें खाया रहता है डायलोना बोवरेन, उसके लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है हम चर्चा कर रहे हैं अभी, खतरनाक डेंगू कैसे बोलते हैं। अगर 24 घंटे के अंदर 3 बार ज़्यादा उल्टी हो रहा हो, उल्टी में अगर खून आ गया हो, शरीर से बहुत खतरनाक बना जाता है, या मुंह से खून आ रहा हो, या कहीं कहीं चकता लाल रंग का पूरा लंबा लंबा दाना आ जाए, तो इसका मतलब है कि खून की नली फट करके उससे खून निकल जा रहा है, या नाक दांत से खून आ रहा है, ये भी खतरनाक डेंगू का लक्षण है। या इतना थक गया वो चल नहीं पा रहा है, मरीज चलना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, तो ये हो गया खतरनाक डेंगू। वैसे में आप उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, और हॉस्पिटल में जहाँ बता ही रहे थे कि चूँकि ऐसे स्थिति में जो है कुछ BP कभी घट जाता है, मरीज कभी कुछ शॉक में चला जाता है, उसमें डेंगू हेमरेजिक शॉक बोलते हैं। डेंगू मतलब वायरस से होने वाली बीमारी, हेमरेजिक मतलब खून का निकल जाना, शॉक का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का इतना कम जाना कि हृदय को, दिमाग को और किडनी को ब्लड मिलना कम हो जाता है, इस कारण से वो काम करना कम करता है, लोग थकान सा महसूस करते हैं, लोग इतना कमज़ोर हो जाते हैं कि उठ भी नहीं पाते हैं, उठने पर चक्कर आता है, उसको डेंगू हेमरेजिक शॉक भी बोल सकते हैं। डेंगू हेमरेजिक फीवर भी हम लोग बोलते हैं जब बुखार आता है और लाल लाल झकता या मुँह से कहीं से भी खून आ गया तो, खासकर उल्टी में भी खून आ गया तो।
इस तरह से आप समझ सकते हैं कि डेंगू खतरनाक है। और डेंगू बारे में बात कर ले कि डेंगू फैलता है मच्छर काटने से। मच्छर जो इसका होता है वो अच्छे पानी जो साफ पानी में पाया जाता है, तो खास करके बहुत लंबे समय उसको हम जमा करके रखते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। पानी रखा हुआ चाहे गमला में पानी रखा हुआ है, इसलिए बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है। बारिश के मौसम में बारिश का पानी जो साफ होता है, गंदे एकदम गंदा नाली के जगह डेंगू का मच्छर नहीं अपना अंडा देता है। अंडा वहाँ जाता है जहाँ साफ पानी हो, और वो अंडा फिर बड़ा होकर के मच्छर लूट लेता है, और वो मच्छर किसी को काट लेता है। अगर उसको आदमी को डेंगू है तो मच्छर के अंदर फिर डेंगू के पहले अपना संख्या बढ़ाते 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 फिर इतना बढ़ा लेता है कि फिर वो किसी और को काटता है तो उसे डेंगू हो जाता है। इस तरह मच्छर ना काटे उसका व्यवस्था करना चाहिए, कपड़ा पहनना चाहिए, या मच्छर भगाने वाला जो भी चीज़ है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। घर या खिड़की जहाँ पे बंद कर लीजिए जब जरूरत नहीं हो तो, या हम लोग बोलते हैं खिड़की के अंदर जाल लगाइए, नेट बोलते हैं मॉस्किटो नेट, जिससे कि मॉस्किटो या कोई भी और भी कीड़ा नहीं अंदर आ सके, उस तरह की व्यवस्था करना जरूरी है। और साफ साफ बता दें डेंगू किसी को है तो खूब पानी पिलाइए, दर्द की गोली जनरल जो आता है उन्हें खिलाइए, पैरासीटामोल खिलाइए, उसको आराम दीजिए। अगर थोड़ी परेशानी ज़्यादा लग रहा है, जैसे उल्टी ज़्यादा हो रहा है, कमजोरी ज़्यादा लग रहा है, या कहीं लाल लाल चकत्ता आ गया है, या उल्टी में खून आ गया है, या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है माथा उथा में जो कि ठीक नहीं हो रहा है आपको, तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत उन्हें भर्ती करवा लीजिए। अस्पताल जाने के बाद उनका इलाज होगा और वो ठीक हो जाएंगे। इस तरह से जो है हम डेंगू का इलाज करते हैं। और डेंगू के बचाव के लिए बोल रहे हैं कि मच्छर बार बार पनपे नहीं, खासकर पानी जो जमा हुआ है उसको पानी को ख़त्म कर डालिए। अगर पानी कहीं जमा मजबूरी है, जैसे गमला में देना मजबूरी है, पानी को बदलते रहिए, कम से कम 7 दिन भी एक बार भी बदल डालते हैं तो उसका जो लार्वा होता है, उसका जो कह सकते हैं मच्छर का जो एक रूप है, तो बाद में मच्छर बन जाता है लार्वा से, तो वो नष्ट हो जाता है। इस तरह से उसे नष्ट कर डालिए। मॉस्किटो नेट लगाइए, या अपने पैर उनको ढके मोजा पहन के बढ़िया से जाइए, जिसमें कि मच्छर ना काटे, या काटे तो काट नहीं पाए, काटने का प्रयास करें, तो इस तरह से आप अपने आप को डेंगू होने से बचा सकते हैं। अगर कोई मरीज डेंगू हो गया तो उसे मच्छरदानी के अंदर रखिए, ताकि मच्छर उसे न काट पाए और इस तरह से मच्छर में डेंगू ना आए। इस तरह मच्छरदानी के अंदर ही रखना चाहिए। और डेंगू बीमारी लगभग 2 से 3 सप्ताह के बीच में खुद ही ठीक हो जाता है। उसका डेंगू का कोई सीधे तौर पर जो एंटीवायरल डायरेक्ट उसके अगेंस्ट में काम करने कोई भी दवा नहीं है, इसलिए जो आपको जो बताया था खूब पानी पी आराम करें, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, सबके लिए ज़रूरी होता है, और डेंगू के मरीज के लिए और ज़्यादा ज़रूरी होता है। धन्यवाद।